नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें हम फ्लेमिंगो बुक का लेसन 6 पढ़ रहे थे और इसके 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन ये करेंगे, 11वां क्वेश्चन ये करेंगे, 12वां क्वेश्चन ये करेंगे और 13वां क्वेश्चन ये करेंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 10वां क्वेश्चन, डिड द पीपल एट जेमेनी स्टूडियोज, मतलब जेमेनी स्टूडियो के लोग, हैव एनी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर यानी विशेष, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और अफिलिएशन यानी जुड़ाव या संबंध। तो बताना है क्या जेमेनी स्टूडियो के लोगों का किसी खास राजनीतिक पार्टी से संबंध था। तो देखिए, चैप्टर में बताया कि जेमेनी स्टूडियो के जो लोग थे उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था, वे केवल गांधी जी को मानते थे, इसी वजह से वो खादी पहनते थे। तो देखिए, आंसर बताया गया कि नो, जेमेनी स्टूडियो के लोगों का किसी खास राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव नहीं था। सबसे पहले नो लिखना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया क्या उनका किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव था। हम कहेंगे नो, उनका जुड़ाव नहीं था, वे खादी पहनते थे और वे गांधी जी के अनुयायी थे। देखिए, बहुत सरल सा आंसर है। सबसे पहला वर्ड है पहनते थे, जो कि आप पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चनों में। वियर होता है पहनना, वियर का सेकेंड फॉर्म वॉर होता है, तो पहनते थे पास्ट सिंपल होगा, तो वियर का सेकेंड फॉर्म वॉर लिखेंगे। और अनुयायी के लिए आपको पता होगा फॉलोवर्स कहते हैं अनुयायी के लिए, बाकी सभी वर्ड सरल हैं। तो यहाँ पे वॉर यानी पहनना हो गया वियर का सेकेंड फॉर्म, खादी को खादी कहते हैं, और दे का मतलब वे, एंड दे और वे गांधी जी को गांधी जी ही कहेंगे और अनुयायी को फॉलोवर्स कह देंगे। तो बहुत सरल सा आंसर है। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नो और फिर ये लाइन क्वेश्चन की लाइन, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन की लाइन हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे अब नेगेटिव बन जाएगी। नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, डिड जो अभी आगे लिखी है, अब डिड सहायक क्रिया यहाँ पे आएगी और नॉट लगा के, तो डिड नॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ नो लिखा, इसके बाद द पीपल एट जेमेनी स्टूडियोज, और फिर डिड नॉट यहाँ लिखना, डिड नॉट हैव एनी पार्टिकुलर पॉलिटिकल अफेलिएशन। तो पूरी लाइन क्वेश्चन की लिखी है, नो लगा के क्वेश्चन की लाइन, यहाँ पे केवल डिड नॉट। फिर आगे देखिए, दे मतलब वे, वियर का सेकेंड फॉर्म वॉर यानी पहनते थे, दे वॉर खादी, वे खादी पहनते थे। और फिर आगे एंड दे और वे गांधी जी के अनुयायी थे, अनुयायी थे। देखिए, केवल पास्ट है तो वाज वर में से वर सहायक क्रिया लगाएंगे, एंड दे वर द फॉलोवर्स अनुयायी थे ऑफ गांधी जी, यानी गांधी जी के अनुयायी थे। तो एंड दे और वर सहायक क्रिया, क्योंकि दे के हिसाब से वर लगाते हैं, तो एंड दे वर और द फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी। तो यहाँ नो लगा के क्वेश्चन की लाइन लिखी है, द पीपल एट जेमेनी स्टूडियोज, यहाँ डिड नॉट हो जाएगा, हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल अफिलिएशन, और फिर इसके बाद दे वॉर, वे पहनते थे खादी पहनते थे, एंड देवर और वे थे द फॉलोवर्स अनुयायी थे ऑफ गांधी जी, गांधी जी के अनुयायी थे। तो देखिए, इस प्रकार से आंसर बन जाएगा और ये बहुत सरल सा आंसर है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। इसके बाद अगला 11वां क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज द मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। देखिए, यहाँ पे एक संस्था है जिसका नाम है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, उसका वेलकम किया जाता है जेमेनी स्टूडियो में, तो क्यों किया जाता है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि मोरल रीआर्मामेंट आर्मी का स्टूडियो में स्वागत क्यों किया गया। देखिए, हिंदी में कह सकते हैं हम नैतिक पुनर्शक्ति दल, तो एक दल बना हुआ था, उस दल का स्टूडियो में स्वागत किया जाता है, क्यों किया जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए, हमने चैप्टर में बताया था कि मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी एक ऐसा दल था जो अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा था, और ये दल इतना पावरफुल था कि कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था। तो मद्रास के बड़े बड़े लोग, जैसे कि जो मिस्टर वासन है, वे भी उनके हाथों की कठपुतली थे, जो वो कहते थे इनको करना पड़ता था, इस वजह से वो जब स्टूडियो आते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है। तो देखिए, आंसर बताया गया कि जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी वो एक अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद से निपटने के लिए एक प्रकार का प्रति आंदोलन दल था, और मिस्टर वासन जैसे मद्रास के बड़े बड़े बॉस जो है उनके हाथों में बस खेलते थे, मतलब जैसा वो कहें वैसा उन्हें करना पड़ता था,
इसी वजह से मोरल रीआर्मामेंट आर्मी जो है उसका स्वागत किया गया था, बहुत भव्य स्वागत किया गया था। तो देखिए अब हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कठिन मीनिंग देख लेते हैं। देखिए इंटरनेशनल आपको पता है अंतरराष्ट्रीय, और कम्युनिज्म जो होता है साम्यवाद को कहा जाता है। तो ध्यान रखना कम्युनिज्म का मतलब साम्यवाद होता है। और फिर देखिए प्रति आंदोलन काउंटर मूवमेंट, देखिए मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, ध्यान रखना काउंटर मूवमेंट यानी एक प्रति आंदोलन। और फिर लाइक यानी होता है जैसे, और काइंड का मतलब होता है प्रकार, तो काइंड ऑफ का मतलब होता है का। और फिर यहां पे बिग यानी बड़े बड़े, बॉस की बात करें तो बॉस को बॉस ही कहते हैं। और फिर बस खेलते रहते थे यानी उनके हाथों की कठपुतली थी। तो देखिए सिंपली, सिंपली यानी कि होता है बस, सिंपली और प्ले यानी खेलना होता है, तो सिंपली प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड लिखेंगे यानी बस खेलते रहते थे। तो देखिए केवल आपको दो तीन वर्ड ही याद रखने हैं, कम्युनिज्म हो गया साम्यवाद के लिए, और सिंपली प्लेड यानी बस खेलते रहते थे, और यहाँ काउंटर मूवमेंट हो गया, और अ काइंड ऑफ यानी एक प्रकार का हो गया, और बिग बॉसेस यानी बड़े बड़े बॉस हो गए, और लाइक यानी जैसे हो गया, और सो यानी इसलिए हो गया। बाकी बहुत सरल सरल से वर्ड हैं, जैसे हैंड्स हो गया, डियर हैंड्स यानी उनके हाथों में। तो देखिए पहली लाइन देखें तो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी लिखेंगे, फिर इसके बाद वाज सहायक क्रिया लगाएंगे, और फिर अ काइंड ऑफ यानी एक प्रकार का, और काउंटर मूवमेंट, तो अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, और फिर इसके बाद के लिए को टू कहते हैं, तो टू या फोर कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिज्म लिखेंगे, तो द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्वेश्चन में मिल जाएगा। वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, और फिर टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, और फिर इसके बाद देखिए मिस्टर वासन को मिस्टर वासन लाइक यानी जैसे, मद्रास को मद्रास ही लिखेंगे, और फिर ऑफ यानी के होगा, और फिर बिग बॉसेस यानी बड़े बड़े बॉस। तो यहां पे एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन, तो एंड और के लिए हो जाएगा, एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन। और फिर इसके बाद देखिए सेकेंड फॉर्म लिखना है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे जो कि हमने सिंपली प्लेड बताया, सिंपली प्लेड बस खेलते रहते थे, और फिर इनटू लगाएंगे यहाँ पे, इनटू दियर हैंड्स यानी उनके हाथों में खेलते रहते थे। तो देखिए यहाँ एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू दियर हैंड्स, और फिर जो है सो लगा के, सो यानी इसलिए, और पूरी क्वेश्चन की लाइन, तो देखिए क्वेश्चन की लाइन लिखेंगे हम तो द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, और वाज सहायक क्रिया यहां पे लगा देंगे, और लास्ट तक आपको लिख देना है, तो वाज को ध्यान रखना आर्मी के बाद लगाना है, और लास्ट तक आपको लिख देना है। तो देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं हम कि द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी क्वेश्चन में मिल जाएगा, वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, और फिर एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन, और फिर सिंपली प्लेड इन टू दियर हैंड्स, सो लगा के क्वेश्चन की लाइन द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, फिर वाज सहायक क्रिया लगा के वेलकम्ड एट द स्टूडियोज। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन गया, और ये सरल इसलिए है क्योंकि केवल दो लाइनें ही तो ट्रांसलेट करनी है, एक लाइन क्वेश्चन की आपको मिल जानी है। इसके बाद अगला 12वां क्वेश्चन देखिए, नेम वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमें बताना है टू, सो दिखाने के लिए क्या दिखाना है कि जेमिनी स्टूडियो वाज इन्फ्लुएंस्ड यानी वो प्रभावित था वाई के द्वारा, द प्लेस यहाँ नाटक के लिए लिखा गया है जो कि स्टेज यानी कि प्रस्तुत किए गए थे एमआरए जो मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी है उसके द्वारा, स्टेज पर जो है प्रस्तुत किए गए नाटक जो थे उनके द्वारा जेमिनी स्टूडियो प्रभावित था, तो यह दिखाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि जेमिनी स्टूडियो एमआरए द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटकों से प्रभावित था, और यह दिखाने के लिए एक उदाहरण बताना है। तो देखिए हमने आपको बताया था चैप्टर में कि जो यहाँ पे एमआरए एक ऐसा दल है जिसके द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य वाले कुछ नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, तब से जो है जेमिनी स्टूडियो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और अपने हर एक फिल्मों में जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य दिखाने लगता है। इसमें खास बात यह होती है कि जो बैकग्राउंड होता है पीछे वाली पृष्ठभूमि होती है उसको सफेद पर्दे के द्वारा बनाया जाता है,
और जब ये दृश्य दिखाया जाता है तो बांसुरी की धुन मचती रहती है। तो देखिए आंसर बताया गया कि जेमिनी स्टूडियो जो था एमआरए द्वारा प्रस्तुत किए गए, खासकर दो चीजों की बात हो रही, सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य उनने प्रस्तुत किए थे, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था जेमिनी स्टूडियो। और ये दृश्य जो थे, इन दृश्यों को जेमिनी स्टूडियो ने फिर अपना लिया था, और जिसमें सफेद बैकग्राउंड होता था और एक धुन जो है बांसुरी पर बजती रहती थी। अब देखिए हम इन लाइनों को ट्रांसलेट करेंगे तो कौन कौन से वर्ड हमें पता होने चाहिए। एक तो यहाँ पे प्रस्तुत किए गए, देखिए प्रेजेंटेड कह सकते हैं, प्रस्तुत किए गए, स्टेज भी हम कह सकते थे, यहाँ प्रेजेंटेड लिखा गया है, प्रस्तुत किए गए। और फिर देखिए अपनाए जाते थे, अपनाना को एडॉप्ट कहा जाता है, तो एडॉप्टेड हो जाएगा। तो यहाँ भी ध्यान रखना कि एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना, एडॉप्टेड जो है इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। प्रेजेंटेड तो आपको पता ही है। और फिर देखिए जिसमें होता था के लिए होता है विथ, ध्यान रखना विथ का मतलब होता है जिसमें होना, और ट्यून यानी धुन होती है आपको पता होगा, और फ्लूट यानी बांसुरी होती है, और बांसुरी को जब हम बजाते हैं तो उसके लिए प्ले कहा जाता है। और सूर्योदय को तो पता होगा सनराइज कहते हैं, और सनसेट यानी होता है सूर्यास्त, और सीन यानी होते हैं दृश्य। तो देखिए बहुत सरल से वर्ड हैं, प्रेजेंटेड यानी प्रस्तुत किए गए, सूर्योदय को सनराइज कहते हैं, सनसेट यानी कि सूर्यास्त होता है, और दृश्य को सीन कहते हैं। और फिर यहाँ पे अपनाए जाते हैं, एडॉप्टेड होता है अपनाना, और फिर विथ यानी जिसमें होता है, ट्यून यानी धुन, फ्लूट यानी बांसुरी, और प्ले यानी बजाना होता है, और दीज यानी ये होता है, ध्यान रखना, तो दीज यानी ये होता है, तो दीज सीन यानी ये दृश्य हो गए, और बाकी सभी वर्ड सरल हैं। तो देखिए पहली लाइन यदि हम देखें तो जेमिनी स्टूडियो जो था प्रभावित था, तो यहाँ जेमिनी स्टूडियो सबसे पहले लिखेंगे, फिर वाज, फिर इन्फ्लुएंस्ड, देखिए क्वेश्चन में था यहाँ पे, तो वाज इन्फ्लुएंस्ड, जेमिनी स्टूडियोज लिखा है, फिर वाज इन्फ्लुएंस्ड, और फिर वाय यानी के द्वारा, तो वाय लिख देते हैं के द्वारा। अब किसके द्वारा प्रभावित था ये हमें बताना होगा, कि सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि सनराइज एंड सनसेट सीन्स। देखिए यहाँ के लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा कह दीजिए आप सनराइज एंड सनसेट सीन से मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य हो जाएगा, जो कि प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए थे। यहाँ पे पहले लिखा हमने सनराइज एंड सनसेट सीन्स, जो कि प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए थे बाय एमआरए, मतलब एमआरए के द्वारा। तो जेमिनी स्टूडियो वाज सहायक क्रिया, और फिर यहाँ इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित था बाय यानी के द्वारा, और किसके द्वारा, के सनराइज एंड सनसेट सीन्स के द्वारा, जो कि प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए थे बाय एमआरए, मतलब एमआरए के द्वारा। और फिर देखिए दीज सीन्स, ये दृश्य, दीज सीन्स मतलब ये दृश्य, फिर यहाँ पे वर सहायक क्रिया लगाएंगे क्योंकि पेशेव भाई से, तो दीज सीन्स वर एडॉप्टेड अपनाए जाते थे, फिर बाय जेमिनी स्टूडियो, स्टूडियो के द्वारा अपनाए जाते थे, और फिर ऑन आ स्टेज, एक ऐसे स्टेज पर, ऑन यानी पर, आ स्टेज, एक ऐसे स्टेज पर जिसमें सफेद बैकग्राउंड होता था। तो यहाँ पे देखिए दीज सीन्स वर सहायक क्रिया एडॉप्टेड अपनाए जाते थे बाय के द्वारा, जेमिनी स्टूडियो के द्वारा, ऑन आ स्टेज, एक ऐसे स्टेज पर, विथ जिसमें होता था, विथ व्हाइट बैकग्राउंड, जिसमें सफेद बैकग्राउंड होता था, विथ यानी जिसमें होता था, और फिर व्हाइट यानी सफेद बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड होता था, एंड और जो है, एंड फिर क्या होता था, एंड आ ट्यून और एक धुन, एंड आ ट्यून और एक धुन, प्लेड यानी बजती थी, प्लेड यानी बजती थी, ऑन यानी पर बजती थी, ऑन द फ्लूट यानी बांसुरी पर बजती थी, तो एंड आ ट्यून, एक ट्यून, प्लेड बजती थी ऑन यानी पर, और फ्लूट, द फ्लूट यानी बांसुरी पर बजती थी, तो विथ जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड, सफेद बैकग्राउंड होता था, एंड आ ट्यून और एक ट्यून जो है प्लेड ऑन बजती थी, द फ्लूट यानी बांसुरी पर बजती थी। एक बार पूरा आंसर रिपीट करते हैं, तो जेमिनी स्टूडियो वाज सहायक क्रिया, फिर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये लिखा है इन्फ्लुएंस्ड बाय, और फिर द सनराइज एंड सनसेट सीन्स, और फिर प्रेजेंटेड प्रस्तुत किए गए बाय एमआरए, एमआरए के द्वारा, दीज सीन्स ये दृश्य वर सहायक क्रिया एडॉप्टेड अपनाए जाते थे बाय जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो के द्वारा, ऑन आ स्टेज, एक ऐसे स्टेज पर, विथ जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड यानी सफेद बैकग्राउंड होता था, एंड आ ट्यून और एक ट्यून जो है प्लेड ऑन बजती थी, ऑन द फ्लूट यानी बांसुरी पर बजती थी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, और ये सरल सा आंसर है, ज्यादा कठिन मीनिंग नहीं आए हैं, तो आराम से बन जाएगा। इसके बाद अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, हु वाज द बॉस
ऑफ जेमेनी स्टूडियोज। तो जो जेमेनी स्टूडियो था उसके बॉस कौन थे, तो हमने आपको बताया था चैप्टर में कि मिस्टर एसएस वासन जो थे वो स्टूडियो के संस्थापक भी थे और बॉस भी थे। तो देखिए आंसर बताया गया मिस्टर एसएस वासन जेमेनी स्टूडियो के बॉस थे। बहुत सरल सा आंसर है, मिस्टर एसएस वासन लिखिए आप, हु के स्थान पे केवल मिस्टर एसएस वासन लिखना है, बाकी वाज द बॉस ऑफ जेमेनी स्टूडियोज पूरा क्वेश्चन का लिख देना है। तो बहुत सरल सा आंसर है ये, तो सबसे बन जाएगा। देखिए मिस्टर एसएस वासन लिखा हु के स्थान पे, फिर वाज द बॉस ऑफ जेमेनी स्टूडियोज पूरी क्वेश्चन की लाइन लिख दी। तो आज हमने चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।